This is NDTV, and you are watching NDTV Prime. Hello, and welcome to the Realty Debate. Delhi is slowly becoming unlivable. Delhi citizens are jostling for space, their share of infrastructure and civic services. For the last 2 years, Delhi Development Authority (DDA), the master planner of Delhi, has been waving the land pooling policy under our noses as the one pill that will solve all of Delhi's problem. Well, 2 years is a long time for an ailing city to wait for life support. Now, finally the deadlock between dda and the delhi government has been resolved and 89 villages have been notified thus making dda the agency responsible for their development under the land pooling policy 62,000 acres of land will be unlocked to be pooled by the owners this policy will cover k1 l p1 and p2 zones in delhi once dda is handed over land for development it aims to build 24 lakh housing units on it but is land pooling the answer to all our problems? Is DDA even equipped to cope with this mammoth task in front of it? To discuss this, I have some guests with me. I have Mr. Vijendra Gupta. He's MLA, Delhi BJP. Also with me is Amit Dabas. He's a land owner who's looking to work with the land pooling policy. I have with me Ramesh Menon, Director, Certis Realty Limited and land expert. Welcome, gentlemen. First, uh, Amit, I would like to begin with you. Yeah. Because land pooling is something which is going to affect you the most. आप सबसे ज़्यादा क्या सोचते हैं वो हम जानना चाहते हैं क्योंकि land pooling अब hmm. आपके लिए लागू होने के कगार पर है क्या hmm. आपको लग रहा है इससे आपको फ़ायदा होगा और ये इंतज़ार जो आपने किया वो कितना मुश्किल रहा मैम ये तो आई श्योर दैट फ़ायदा तो होगा पर जो सफ़र किया है हमने लगभग दो साल हो गए इस पॉलिसी में लगे हुए बट वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट एट फास्ट टू थाउजेंड सेवन जब पॉलिसी पास हुई uh, उसके बाद डी डी ए ने इसको फिल्टर करने में पाँच साल का टाइम स्पेंड कर दिया और दो हज़ार तेरह में इस पॉलिसी को नोटिफिकेशन किया उसके बाद ये फाइल दिल्ली सरकार के पास गई दिल्ली सरकार ने भी इस पर दो साल का टाइम स्पेंड कर दिया और इसमें हमने सफ़र ये कराया मैम जो दिल्ली देहात को एज़ ए फार्मर को जो फ़ायदे होने वाले थे उनसे वंचित रखा गया ये इट्स दैट मे भी हो सकता है पॉलिटिकल मैटर हो और दूसरा इस दो साल के अंदर हमने हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हमने जंतर मंतर पे एक छोटा सा आंदोलन भी किया हमने गांव वाइज़ जोन वाइज़ हमने मीटिंग भी रखी उसके बाद पहले तो ये कहा जाता था कि पहले तो यही नहीं पता था फाइल कहाँ है हमने इस फाइल को एक बार आर के थ्रू मैंने आर लगाई सबसे पहले तो जो समस्या थी उसको आउट किया कि फाइल, फाइल, कि फाइल अर्बनाइज करना था उसके बाद डेवलपमेंट एरिया घोषित होगा फिर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी मतलब से मिले लंबा चौड़ा ये पूरा प्रोसेस है हाँ। और इस पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस में आप फंसे रहे Fighting against the system, trying to get this policy to move yes, ahead. Sir. Yes, sir. Uh, we also have uh, Vijender Gupta with us, uh, uh, Mr. Gupta. You have been instrumental in trying to push this policy forward, and you you are well versed with this policy. So, you know, one thing that I failed to understand is why the Aam Aadmi government uh, in Delhi had so much of hesitation as far as this policy was concerned. What was their major concern, and do you think it was relevant? दिस इज़ नॉट रेलिवेंट एट ऑल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि 2022 तक सबको घर मिलेगी और अंजलि ये जो ये जो प्रोजेक्ट है लैंड पुलिंग पॉलिसी का ये बहुत ये एक तरह का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है क्योंकि दिल्ली में इस प्रोजेक्ट के थ्रू लैंड पुलिंग के थ्रू पाँच लाख फाइव लैख जो हाउस होल्ड हैं वो ई होंगे यानी कि डवेलिंग यूनिट जो हैं ई डब्ल्यू एस डिंग यूनिट्स बनेगी और लगभग दस से बारह लाख जो है वो जनरल कैटेगरी के, के फ्लैट्स बनेंगे ये एट रैंडम जिसको कहा जा सकता है कि दिल्ली में डेवलपमेंट होगा रेजिडेंशियल एरिया का इसमें इसको दिल्ली गवर्नमेंट ने दो साल तक अपने पास रोके रखा और मेरे पास वो तमाम लेटर्स हैं डीडीए ने जो इन दो सालों में डीडीए ने दिल्ली गवर्नमेंट को लिखे हैं दो दर्जन लेटर और एक भी लेटर को दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज तक नहीं किया यानी कि एक्नॉलेजमेंट भी उनके पास नहीं भेजा गया हमें नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट इस तरह का मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड था क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है और अगर दिल्ली में घर बनेंगे तो उसका क्रेडिट बीजेपी को मिलेगा इसलिए एक हर्डल विलेनियस मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कोई विलेन करता है उन्होंने उनका इस पॉलिसी से कोई कंसर्न सच नहीं है मैं आपको बता दूँ इसमें जो एक रूटीन इश्यूज थे तीन इश्यूज थे पहला इशू तो था कि जो 89 नाइन रूरल विलेज़ हैं उनको अर्बनाइज ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली कि स्टैंडिंग कमेटी की अथॉरिटी है और उन्होंने उसको वहाँ से पास करके अप्रूव करके प्रपोजल को दिल्ली गवर्नमेंट के पास भेजा था नोटिफिकेशन के लिए और दिल्ली गवर्नमेंट को उसका नोटिफिकेशन करना था लेकिन मिनिस्टर ने फाइल को नहीं किया चीफ मिनिस्टर ने फाइल को दबा दिया और दूसरा इसमें हो होगा 95 फाइव विलेज़ को डेवलपमेंट एरिया जो है वो नोटिफाई होगा और तीसरा ऑथेंटिकेशन का काम है जो खसरे हैं गांवों के जी। उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड से ऑथेंटिकेट किया जाएगा जी लेकिन आपको बड़ी हैरानी होगी कि अल्टीमेट लास्ट में क्या हुआ जब अथॉरिटी की मीटिंग में हमने ये इशू रेज किया और डीडीए एक्ट के सेक्शन 12 का हवाला दिया और हमने कहा कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट ब्लैक कर रही है या दिल्ली गवर्नमेंट की इंटेंशन मेलाफाइड है वो नहीं चाहते दिल्ली में घर बने वो नहीं चाहते दिल्ली के किसानों को उनकी जमीनों की पूरी कीमत मिले वो नहीं चाहते कि दिल्ली का किसान घर बनाने में आ, उसका कोई सहयोग हो जी गुप्ता साहब तो आप इसको बाईपास करिए दिल्ली गवर्नमेंट को चलिए गुप्ता साहब इसमें आ... Uh, आप जो कह रहे हैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं रमेश यू नो आई रियली नीड अ क्लैरिटी एज टू वॉट वॉज द प्रॉब्लम गवर्नमेंट टू द इम्प्रेशन दैट इफ द लैंड इज आर नॉट गेट एनी लैंड टू डू एनी डिवेलपमेंटल वर्क इज दू नो लेट मी लेट मी प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड not venturing into the political साइड ऑफ इट Or did not get into the details of this policy more because of their ignorance about the urbanization norms. Let us be very clear the urbanization norms across the globe, more or less, you know, a couple of percentages here and there are, are very similar. So, let us look at what the Delhi government was asking for. They were asking for 10% of the total developed land mass so, they, so that they can provide services so let's look at it dispassionately the delhi government got almost 5 to 6000 acres gram sabha land which was transferred to the uh, revenue department secondly delhi health services will develop the hospitals so after the development of the sector plans whatever the land ascribed for hospitals will go to delhi health services likewise for schools and other social infra so in my wisdom uh, of having worked on master plans across many states, I can conclusively say that the demand of the Delhi government was misplaced hmm. or which was being used as a bargaining tool. They will get access to 10% of the land. Okay, so they are getting it, but they were probably uh, not well informed. Hmm. Uh, anyway, uh, Amit. Uh, व बिन गोइंग टू डी डी ए अगेन एंड अगेन बिकॉज यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस पॉलिसी एंड इट वॉज गोइंग टू बेनिफिट यू आपने बताया था किसी सेल में जाते थे आप डी डी ए के तो क्या है ये सेल और वहाँ आपको क्या देखने को मिलता था क्या काम हो रहा है वहाँ पर नहीं मैम अब भी वहाँ क्या है लैंड पुलिंग सेल में जब उनसे बात करते हैं तो वो अब भी ये कहते हैं कि हमें जब अब तो अर्बनाइज एरिया तो डिक्लेयर हो गया है इसके बाद डेवलपमेंट एरिया होना है अगर डेवलपमेंट एरिया नेक्स्ट सेवन टू तो टेन डेज में हो जाता है आफ्टर दैट दे विल टाइम फोर मंथ टू ओपन ए विंडो अच्छा हाँ इस चार महीने में वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और उसको कुछ तीन या चार वो कंसल्टेंट है जो उनको अपॉइंट करने हैं जो अभी तक वो वेटिंग में वेटिंग लिस्ट में रखे हुए थे कि पोल्स एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद वो करेंगे और आफ्टर दैट दे आर सहेंगे आपको कि कब तक आप लैंड हाँ, 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 लेके आ सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल दे विल ओपन दंडो आफ्ट देट वी लैंड हम उनको देंगे आफ्टर दैट एटीन मंथ आफ्टर एटीन मंथ देक प्लॉट दे बैक प्लॉटर दैट बिल्डअप दट इसमें मैम अभी तक मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हुआ वो भी ठीक है दो साल का टाइम लगा सात साल स्पेंड हो गए कोई बात नहीं अगर अब भी डी इस काम को हमारा जो उद्देश्य है जो ध्येय है वो ये है कि अब भी इस टाइम को रिकवर किया जा सकता है अगर बात जब डी के हैंड पे आ जाएगी अगर डी चाहता है तो वो सारा टाइम रिकवर करके वो हमें प्लॉट दे और उसके साथ ही जो उन्होंने डेवलपमेंट ज़मीन करके देनी है जो कि डी ने डेवलप करके देनी वो भी हमें साथ में डेवलप करके दे तब हमें प्लॉट अलॉट करे ताकि साथ ही दोनों जो टाइम है एक ही टाइम में दोनों काम हो उसके प्लॉट भी डेवलप हो उसके और जो रो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रोड्स वगैरह हैं रोड्स है, हैं फ्लाई ओवरस हैं हॉस्पिटल्स हैं और बेस मैम दिल्ली देहात की मेन बेसिक समस्या क्या है वो जो कि जिसके लिए लैंड पुलिंग पॉलिसी मस्ट है जब तक हम लैंड पुलिंग पॉलिसी की बात करते हैं हर आदमी सोचता है कि ये सिर्फ फ़्लैट बनने हैं इसमें हाँ। ऐसा फ्लैट तो बनने ही है उसके बाद एक अलग सी चीज़ और है जिसके जो दिल्ली देहात को डायरेक्टली फ़ायदा करेगी और सबसे ज़्यादा नेसेसिटी उस चीज़ की है इसमें जैसे हॉस्पिटल बेसिक नीड्स हैं जो मूल सुविधाएं होती हैं वो मूल सुविधाएं हाँ बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं वो हाँचर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं हॉस्पिटल्स हैं स्कूल्स हैं कॉलेज है आईटी IT, आईटीआई हैं लोगों के लिए तो hmm. अमित आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम शहरों में देखते हैं वो दिल्ली देहात में भी लोगों को मिले मिस्टर गुप्ता इफ वी टॉक अबाउट डीडीए नाउ डीडीए इवन इफ इट टेक्स ऑल दिस लैंड एंड इफ इफ इट इफ इट इवन प्लान्स टू इनिशिएट दिस एंटायर प्रोसेस डू यू थिंक डीडीए इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस डू यू थिंक दे आर इक्विप्ड इनफ टू डू दिस डेफिनेटली डेफिनेटली डीडीए जो है पूरी तरह तैयार है मैं आपको बताऊं अंजलि इसमें हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसलिए डी को वेल इक्विप्ड होने की ज़रूरत है हमारा कहना है कि लोगों को एक विंडो से दूसरे विंडो पर ना जाना पड़े सिंगल विंडो सर्विस होनी चाहिए फायर सर्विस का कोई क्लियरेंस है या दिल्ली गवर्नमेंट का कोई क्लियरेंस है या का कोई क्लियरेंस है अब बिल्डिंग प्लान है अब बिल्डिंग प्लान भी उसी विंडो से, से सेंक्शन होना चाहिए तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकें

पहले तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन होगा डेवलपमेंट एरिया का ऑथेंटिकेशन हो रहा है विलेजेस का जो अर्बन विलेजेस हैं उनकी लैंड का अभी तक लगभग पाँच विलेजेस का ऑथेंटिकेशन क्योंकि पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरा प्रोसेस रोक दिया था अब चूँकि एल ने एल साहब ने इनिशिएटिव लिया और डायरेक्ट डिसीजन लेने शुरू कर दिए तो उसके बाद ये सब काम शुरू हुआ है नाइन्टी फाइव विलेज़ जो हैं उनकी ऑथेंटिकेशन होगा खसर होगा क्योंकि जब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से डी मिलाएगा नहीं तब तक के डिस्क्रिपेंसीज दूर नहीं होगी उस उसमें ए, कुछ समय लगेगा जी उसके बाद लोग आ, लोग क्योंकि दो हेक्टेयर से ज़्यादा और बीस हेक्टेयर से कम एक ग्रुप ये होगा और एक ग्रुप होगा जो स्मॉल टाइनशिप टाउनशिप कह सकते हो आप बीस हेक्टेयर से ज़्यादा जगह जो लोग लेकर के आएंगे जी। तो ये जब लोग ऑफर करेंगे रजिस्टर कराएंगे अपने आप को तो उसके बाद इसका लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव होगा पूरा वो है तो हम सब समझते हैं लेकिन हमारा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या डी डी ए तैयार है कि नहीं आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू इन रमेश होल्डर जी जी मैं एक बार रमेश से भी यहाँ पूछना चाहूंगी कि Uh, Ramesh, you keep dealing with different stakeholders as far as this policy is concerned. Do you think DDA is ready? Because when we talk about DDA, it's an old organization. And earlier in our shows, we have talked about how DDA has been totally ineffective in all its mandates and all its missions. Now it's taken on this task, which I feel uh, they've bitten too much. It's too much, they won't be able to chew it. Now let's look at uh, the the uh, the facts as they stand. DDA is uh, the authority to develop Delhi. Having said that, and look at Delhi, <coughs> yeah. Though they do not have the bandwidth to execute something of this size and magnitude. You see, it's is it's almost uh, Delhi is 1483 square kilometers. The current extent is 750, which would mean that. A Delhi, which took almost 70 years to develop, the de the DDA has to undertake or execute it in the next two, two decades, which with their manpower, their uh, intellectual abilities, their uh, you know financial strengths, etc., is not possible. Now, if DDA has to execute this, then there is no other way but to integrate it with uh, the. Uh, you know, best practices which are available either in our country, where other states have successfully done this. Do we this. have an example? Yeah. Do we have an example to follow with other states? So the most recent example is Amravati, the capital of Andhra Pradesh. You know, it's a new state which was born about three to four years back. They conclusively talk about uh, having undertaken a 35,000 acre uh, land pooling exercise. So I'm sure they they have, but. Outside real estate, whether you look at uh, the GST implementation or, uh, or any such implementation, which which the scale and magnitude is large, unless you create independent entity to create the IT infrastructure to integrate or become the integrator of multiplicity of authorities. Hmm. You no know, revenue department is a state subject. DDA reports to the center. The notifications come from the LG's office, etc., yeah. etc. Now, uh, I heard Mr. Gupta say 5 of the 89 villages have been, you uh, know, their uh, the, the, the physical verification or matching the data of DDA and uh, Revenue Department has been concluded. By this pace, it would take at least another 2 more years for, for these 2 agencies to conclude that. And in the process, see somewhere. The DD or revenue has to draw a line. Say from today onwards, there cannot be a change of ownership mm. till this exercise is completed. You cannot keep working on a dynamic data. Mm. That's true. So, so all those things happen. Then only it is it's a good story to, uh, to, to follow up. But I let me take this opportunity to have a word with Mr. Gupta and say that there is a lot of uh, expertise vested in the private sector. Which is available to the government agencies pro bono or otherwise, please uh, recruit this expertise available globally. I, I think they'll like the pro bono word, uh, uh, Mr. Gupta. Uh, you know, DDA is uh, you know right now. If you go to a DDA office, the DDA office, uh, I think even the lifts haven't been upgraded for years now. Do you think uh, they are technologically capable of handling this? Because you need to have the software that you're talking about. It should have been. at least a trial stage नहीं, by नहीं, now नहीं, and we are still talking about making that software nahi nahi abhi jo baat maine authentication ki ki hai wo revenue आ, department ko authenticate karke dena hai delhi government ke kyunki process unhone on nahi kiya tha pehle उसको hold पे डाल दिया था इसलिए authentication नहीं हो पाया हो भी नहीं सकता था क्योंकि जब दिल्ली government cooperate ही नहीं कर रही थी दिल्ली government ने पूरे process को ही रोक दिया था files दबा ली थी तो ऑथेंटिकेशन की फ़ाइल भी जो थी उसको भी दबा लिया गया था अभी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसेस दिल्ली गवर्नमेंट को करना है वो एक्सपेडाइट होना चाहिए जो डीडीए को करना है वो एक्सपेडाइट होना चाहिए और देखिए अगर हम इसको हैफेज मैनर में करेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा दिल्ली का डेवलपमेंट होना है दिल्ली में जितने घर आज हैं लगभग आप अगर समझेंगे तो गुप्ता uh, जी so uh, anyway, uh, 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 आप ये बताइए आप डी डी ए के मेंबर भी हैं आप भी है, तो अभी कितना टाइम लगेगा डी डी ए को हमें ताकि विंडो ओपन होने के बाद एक कंडीशन है पॉलिसी में कि 60 परसेंट जब तक ज़मीन जमा नहीं होगी जब तक आप सेक्टर प्लान तैयार नहीं करेंगे तो 60 परसेंट ज़मीन जमा होने के बाद डी कितना टाइम लगेगी हमें प्लॉट अलॉट करने में और जो रो डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है जो डी ने करके देनी है वो कितने टाइम में करेगी डी देखिए इसमें बड़ा साफ है कि आ, दो तीन लेयर हैं इसके पहली लेयर तो ये है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग डीडीए का पूरा पूरा सेटअप तैयार हो जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है छोटा प्रोजेक्ट नहीं है बहुत बड़ा है जिस दिन डीडीए विंडो ओपन करेगी उसके बाद लोग जैसे अभी अब लोग डेफिनेटली अपनी लैंड को कंसोलिडेट करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा क्योंकि पूरी पॉलिसी तो फ्रेम हो चुकी है पूरा लैंड पुलिंग पॉलिसी का एक अथॉरिटी मीटिंग में जी, सब कुछ क्लियर हो चुका time? है is, is जी, is, is इस, कितना टाइम लगेगा इसमें इस पांच में हाँ इसमें क्योंकि ये टू वे है वन वे नहीं है इसमें पब्लिक घर तो लोगों ने ही बनाने हैं ये तो प्राइवेट प्लेयर्स का ही काम है जो जो लैंड ऑनर है घर उसको ही बनाने हैं घर डी को नहीं बनाने आप समझ लीजिए तो लेकिन आप कोई एक घर भी बनाते हैं अगर अपना तो आप ड्राइंग क्लियर कराते हो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मुझे लगता है कि चार पाँच छः महीने में पाँच छः महीने इसमें जरूर लगेंगे चलिए चलिए हमें जरूर लगेंगे यहाँ अभी एक कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं निकल के आ पा रही है लेकिन गुप्ता साहब ये तो मान के चलना ही पड़ेगा कि अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं अमित जैसे कई लोग Anyway, uh, it was uh, really nice of all of you to take our time and join us in this uh, debate. But uh, all Delhi citizens are waiting for this uh, land pooling policy because it's not just going to benefit the rural Delhi; it is also going to benefit all the citizens in terms of housing and their infrastructure needs. So we are hoping that DDA will not fall short on our expectations. It's time for a short break now, but you keep watching NDTV.